कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए हिमाचल के ऊपरी हिस्से में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। नेपाल से गर्मियां शुरू होते ही बागों में काम करने शिमला जिला और आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में नेपाली आते हैं। नेपाल भी कोरोना संक्रमण की श्रेणी में आने से सरकार ने नेपाल से आने वालों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए हिमाचल के ऊपरी हिस्से में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। नेपाल से गर्मियां शुरू होते ही बागों में काम करने शिमला जिला और आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में नेपाली आते हैं। नेपाल भी कोरोना संक्रमण की श्रेणी में आने से सरकार ने नेपाल से आने वालों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। नेपाल सीमा से शिमला के ऊपरी हिस्सों और किन्नौर की ओर जाने वाली बसों में बैठे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोरोना वायरस दूर दराज के इलाकों में प्रवेश ना कर सके। इसके साथ साथ इन दिनों रामपुर में जिला स्तरीय ऐतिहासिक फाग मेला जारी है। मेले में बाहर से काफी लोग व्यापार और सांस्कृतिक को देखने आते हैं, ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रामपुर में प्रशासन ने चिकित्सकों की टीम का गठन किया है ताकि बसों में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग हो सके। SDM रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद कोरोना की संभावना को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है, इसलिए ऐसे देश व क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है जहां कोरोना वायरस का प्रकोप है। पड़ोसी देश नेपाल से हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में मजदूर गर्मियां शुरू होते ही शिमला जिले के साथ लगते क्षेत्रों में काफी संख्या में आते हैं, इसलिए वायरस के फैलने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सजग हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। ऐसे कई संभावित मरीज ध्यान में आते हैं तो उसकी जांच कर सकते हैं। चिकित्सालयों में आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात बरती जाए। ऐसे कोई भी लक्षण नजर आने पर तुरंत चिकित्सालय जाकर जांच कराएं ताकि स्थिति को समय पर नियंत्रित किया जा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार और उसके उपरांत उपायुक्त महोदय शिमला ने विभिन्न दिशा निर्देश हमें जारी किए हैं कि कोरोना वायरस, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे भारत में भी काफ़ी केस हमारे कोरोना वायरस से पुष्टि हो चुकी है और इसमें केंद्र सरकार ने 12 देशों की अधिसूचना जारी की है कि इन देशों से जितने भी विजिटर्स, पर्यटक या हमारे देश के नागरिक जो विजिट करके आए हैं उनके ऊपर जो है कड़ी नज़र रखी जाए। हिमाचल के संदर्भ में एक नेपाल जो राज्य है उसका उस लिस्ट में होना काफ़ी चिंताजनक है। तो नेपाल में जो हमारे यहाँ सभी बगीचों में गोरखे जो काम करते हैं वो पीछे सीजन लगा के नेपाल चले जाते हैं और अब वो सीजन शुरू होने के लिए अब हमारे हिमाचल में खासकर शिमला जिला, जिसमें कि रोहडू, चौपाल और रामपुर का एरिया काफ़ी इसमें काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पर नेपाली लोग काम करते हैं।